बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन C++। तो C++ के अंदर जो कंडीशनल स्ट्रक्चर और देर एग्जीक्यूशन इन C++, आज उसका हम तीसरा हिस्सा जो है वो कवर करेंगे। और इस हिस्से के अंदर बुनियादी तौर पर हम आज स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि हम किस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और एक कोड के अंदर कितनी मल्टीपल ऑप्शंस के तौर पे एग्जीक्यूशन को देखकर हम इसको स्टडी करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इस पार्ट के लिए मुख्तस किया गया है। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू अवर कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स PHY 604 MSc फिजिक्स 4th सेमेस्टर स्प्रिंग 2021। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव टॉक अबाउट कंडीशनल स्ट्रक्चर इन C++। तो हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था और उनके रिलेटेड जो है एग्जाम्पल्स को हमने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी। आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम कंडीशनल स्ट्रक्चर को ही एक और टाइप जिसको हम स्विच स्टेटमेंट कहते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज के लेक्चर में देखेंगे कि वो किस तरह से हम उसके सिंटेक्स को समझ सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस के लिए हम कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इस चीज़ के बारे में होगा। सो अगेन कंडीशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, एक्चुअली दीज आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। और इसके अंदर हमारे पास दो तरह की सिचुएशन है, या तो फिर आप इसको कंडीशनल बेस कर दें या फिर उसको ऑप्शनल बेस कर दें। अगर कंडीशनल बेस करना है तो फिर आपको कोई कंडीशन लगानी पड़ती है और हमेशा जो कंडीशन है उसका स्टार्ट हमेशा इफ से होगा। मीन टू से आपके पास तीन तरह की सिचुएशन होंगी और उसको आप कर सकते हैं। इफ कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशन है और आपके पास इफ एल्स इफ कंडीशन है। तो इफ इज बेसिकली वन वे कंडीशन, इफ एल्स जो है वो टू वे कंडीशन है। अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो फिर गलत इस्तेमाल की, मीन टू से ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा। इन द सेम वे इफ इफ एल्स इफ है तो इट्स बेसिकली द कंपाउंड कंडीशन और इसके अंदर हम एक से ज़्यादा कंडीशन भी पुटअप कर सकते हैं। बट फॉर द केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट, द स्विच स्टेटमेंट इज वेरी यू कैन से इनरिच विद रिस्पेक्ट टू द वराइटी ऑफ द स्टेटमेंट। अगर आप किसी कोड के अंदर फर्दर जो है वो ब्लॉक कोड्स ऐड करना चाहते हैं या फिर उनकी ऑप्शंस को ऐड करना चाहते हैं तो आप हमेशा फिर स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। स्विच स्टेटमेंट्स का बुनियादी तौर पे जो मकसद है वो मल्टीपल कोड्स को एक ही कंपाइलर में रख के, एक ही कोड के अंदर बॉडी में रख के डिफरेंट कोड्स और उसके हिस्से को चला सकते हैं, बाकियों को हम छोड़ सकते हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी ऑप्शनल टूल और इसकी वजह से हम जो है काफ़ी चीज़ों को इन एक सिंगल कोड के अंदर लिख के और कंप्रिहेंसिवली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इफ एल्स इफ के बाद जो लास्ट वाला पोर्शन था हमारा वो है यूज स्विच स्टेटमेंट। और ये स्विच जो है तब यूज़ किया जाता है टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट। तो हम जैसे बात देख रहे, किसी भी कोड को अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये ब्लॉक्स जो हैं उनको चला सकते हैं और उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो आइए देखें कि हम किस तरह से इन कोड्स वगैरह को चला सकते हैं। ऑपरेटर्स के तौर पे देखा जाए तो ये वही ऑपरेटर्स हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं और इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इट विल बी द सेम एज इट इज, जैसे हमने पहले इन पे बात की थी। स्विच स्टेटमेंट जो है उसका जो आपके पास सिंटेक्स है वो कैसा होगा? तो आमतौर पे जो स्विच स्टेटमेंट है टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। तो आपने किस बहुत सारे कोड ब्लॉक्स में से अगर किसी खास को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। सिंटेक्स के लिए देखा जाए तो इसका तरीकाकार क्या होगा कोड को राइट अप करने का? पूरे कोड के अंदर जब आपने स्विच स्टेटमेंट्स का जिक्र करना है तो आपका जो स्टार्ट है वो एक्चुअली ऑप्शन से स्टार्ट होगा। तो यू हैव टू राइट इन द कोड स्विच और फिर उसके बाद आपने एक्सप्रेशन लिखना है। तो दिस इज बेसिकली द एक्सप्रेशन, कि ये वो एक्सप्रेशन होगा जो आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। मीन टू से अगर आप इसके ऊपर लिखना चाहते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल चॉइस या एक्सप्रेशन, तो यही स्क्रीन पे एक्सप्रेशन प्रिंट किया जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं कि आपने स्क्रीन पे जो चीज़ प्रिंट करवानी है उसको यहाँ पे आपने लिख देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे कहते हैं कि चॉइस,
तो आप इसको चॉइस पे क्लिक, यहाँ पे प्रिंट राइट कर देंगे तो ये चॉइस आ जाएगा, और उसके बाद इसका नया जो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपने केस वन जनरेट करना है, फिर केस टू जनरेट करना है, इसी तरह फिर केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, अप टू सो ऑन। तो जितने आप केसेस किसी भी स्विच स्टेटमेंट के अंदर लाना चाहते हैं वो आप लेके आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है और इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं होगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ दो केस दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहला केस है उसको उसने यू कैन से सिंबॉलिकली एक्स लिखा हुआ है, फिर सेकंड केस को वाई लिखा हुआ है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो इसके सिंटेक्स के वाले थे। तो केस वन इज बेसिकली एक्स लिखा हुआ है और उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने जो भी कोड ब्लॉक, जो भी इसके अंदर कोड है, कंडीशन है, वो राइट अप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये है अगली, दैट इज द सेकंड पॉइंट। तो केस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस केस का जो एंड है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेक। तो ये ब्रेक है, तो इस एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए हम ब्रेक यूज कर रहे हैं, ताकि केस वन अगर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसके साथ केस टू ना एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम ब्रेक यूज कर रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह से आपके पास केस टू है और ये केस टू जो है वो वाई के साथ एसोसिएटेड है, और उस हवाले से देखा जाए तो ये आप अगेन कोड लिखेंगे, साथ में ब्रेक आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये दो केस हैं और दो केस के अलावा और कोई केस नहीं ऐड किए हुए। तो आपने ये इन दो केसेस के अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन, अगर यूजर जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई और सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, तो डिफॉल्ट लिखना आपने। तो डिफॉल्ट लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास प्रिंट आ जाएगा कि जो भी आपने कोई फर्दर कोड लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास ये चॉइस अवेलेबल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इन दो कोइसेस के अलावा कोई और सिचुएशन है तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो रन हो जाएगी, और ये अमूमी तौर पे तीन केस को चला रहा है, यू कैन सी हियर 1, 2 एंड 3। तो तीन डिफरेंट कोड जो है वो इस स्टेटमेंट के साथ चलते हैं और ये मिनिमम एग्जांपल के तौर पे हम इसको ले रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके पास मैनी केसेस हैं तो आप इसको मैनी केसेस के तौर पर ले सकते हैं, और इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो सिर्फ सिंपल केसेस है तो उसके मुताबिक भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आप हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके इसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जा सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है उसके हमने सबसे पहले फ्लो चार्ट को समझना होगा कि व्हेन एवर वी हैव एक्चुअली दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्विच एक्सप्रेशन और ये सारा कोड का हमने वही एक्सप्रेशन दिए हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री। तो इसके अंदर एक तीन केस दिए हैं और एक डिफॉल्ट जो है स्टेटमेंट है। तो अगर केस वन है तो यू हैव बेसिकली टेकन एज अ यूजर नेम, यूजर के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि यूजर फर्स्ट केस को चलाना चाहता है, सेकंड को, थर्ड को, ये अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर डिफॉल्ट केस चलेगा किसी भी एंट्री के साथ जो हमने रखी होगी, और उसके मुताबिक जो है हमारी स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी। तो इन दिस वे हमारा कोड एट द एंड जो है वो स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद आप दोबारा से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन जो है वो इसलिए यहाँ पे ब्रेक लिखी गई है ताकि आप जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यूसली तौर पे रन ना होती ना, तो इसलिए हम जो है इसको ब्रेक्स के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन है जिसको हम अपने इस प्रैक्टिस सेशन के लिए मुख्तस कर रहे हैं, और वो है आपके पास टेम्परेचर कन्वर्टर। तो अगर आप देख सकते हैं कि एक ही थर्मामीटर के ऊपर दो स्केल दिए होते हैं, फॉरनहाइट वाला होता है और एक सेल्सियस वाला होता है जिसे आप सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। तो अगर आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना हो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि इनके दरमियान फार्मूला अवेलेबल है, और वो फार्मूला जो है वो सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो ये वाला ऊपर वाला रेड वाला फार्मूला यूज किया जाएगा, अगर फॉरनहाइट में आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आप ग्रीन वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो हम जो है इन सिंपल एक्सप्रेशन के साथ ये सारा काम कर सकते हैं और उसके मुताबिक इसको चला सकते हैं। बट अगर इस सिचुएशन के लिए हमें कहा जाए एक स्केल कन्वर्टर हो, जिसका आप सब लोग जानते हैं कि आपके पास जनरली तौर पर गूगल करें सिंपली तो वो आपसे पूछता है कि आप इसको जो है इजीली कन्वर्ट करना चाहते हैं
फॉर्महाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फॉर्महाइट, तो इट्स बेसिकली द बैकग्राउंड ऑप्शन जो कि कोडिंग में दिया गया है। तो आप इस तरह की स्विच स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप सेल्सियस पे क्लिक करते हैं तो आपका कोड जो है वो सेल्सियस पे स्विच हो जाता है और वो फॉर्महाइट में आंसर देगा। अगर आप जो है वो फॉर्महाइट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कोड है वो स्विच हो जाता है फॉर्महाइट के ऊपर, और आपके सेल्सियस की वैल्यू को एंटर करेंगे तो आपको फॉर्महाइट में आंसर देगा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम यहाँ पे रीराइट कर सकते हैं। तो वी आर आल्सो इंटरेस्टेड टू राइट द प्रोग्राम फॉर द फॉर्महाइट टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर कन्वर्टर डिपेंडिंग अपॉन द यूजर। ये बहुत है इम्पोर्टेंट है। एक है कि पैसिव अप्रोच। पैसिव अप्रोच में ये होता है कि आप सेंटीग्रेड की वैल्यू सेल्सियस की वैल्यू पुट करते हैं तो फॉर्महाइट में आ जाता है आंसर। ये पैसिव अप्रोच है कि जिसके अंदर आपने सारा अप्रोच लिखा हुआ है और वो वन वे कोड है। बहरहाल अगर आप ऐसा चाहते हैं कि यूजर से पूछा जाए कि यूजर जो करना चाहता है उसके मुताबिक करे, तो इट्स विल बी यूज फॉर दी ऑप्शनल। और ऑप्शन जब आपने किसी भी यूजर को देनी है तो उसके अंदर स्विच स्टेटमेंट लाजमी यूज होंगी। तो इसलिए आज जब आप स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उसके अंदर हम इस कोड को इस तरह से राइट अप करने की कोशिश करेंगे। जो तो सबसे पहला पार्ट है वो हेडर फाइल का है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इनफो। हेडर फाइल से ही आप समझ सकते हैं कि मैंने कोई ऐसा काम इस कोड के अंदर नहीं किया जो कि मुझे एक्स्ट्रा हेडर फाइल्स की जरूरत पड़े। तो इसलिए ना ही मैंने मैथमेटिक्स की कोई एग्जाम्पल ली है ना कुछ, इसलिए मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स वाली हेडर फाइल भी यूज नहीं कर रहा। अगर आपको मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करवाने के लिए कोई टूल बनाना है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे फिर इंक्लूड सी मैथ, या फिर आपके पास जो है मैथ हेडर फाइल वगैरह यूज कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट, और उसके मुताबिक फिर आप इसको यूज करेंगे। तो हम पुराने कोड के सिंटेक्स के मुताबिक जैसे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। ये तो वही तरीका कार जिससे हमने पहले किया था। फिर है जी आपका कोड की बॉडी का स्टार्ट हो चुका हुआ है। आपने डिफाइन करना है कि यहाँ पे कौन कौन से टेम्परेचर आपने लिए हुए हैं। तो इस एग्जांपल को देखते हुए तो मैंने यहाँ पे टी सी कह दिया उस टेम्परेचर को जो कि आपके पास क्या है सेल्सियस में है। मैंने टी एफ उसको कह दिया जो आपके पास फॉरनहाइट में है। तो फ्लोट इसलिए कहा है क्योंकि ये आपके पास पॉइंट्स में हो सकते हैं, तो इसलिए हमने फ्लोट कह दिया। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे मैंने टी एफ कह दिया है, और टी सी और टी एफ आपके पास जो होंगे दो टेम्परेचर हैं जो वेरिएबल है। इंट एंड चॉइस। इंट चॉइस जो है वो दैट इज द चॉइस कि ये यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसने कौन सी चॉइस के मुताबिक अपने कोड को रन करना है। तो ये इंटीजर में रखा हुआ है तो इसलिए मैं इसको इंटीजर में ले रहा हूँ, तो ये इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। और साथ ही मैंने ऊपर ऑप्शन दे दिया है और ये सी आउट है। ये कोड के जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे तो ये साथ ही प्रिंट करके देगा यूजर को। यूजर के सामने ये ऑप्शन आ जाएगी कि इफ यू प्रेस वन तो आप सेंटी फॉरनहाइट टू सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को। अगर आप प्रेस टू करते हैं तो आपके पास जो है वो सेंटीग्रेड टू फॉरनहाइट में कन्वर्जन हो सकती है। फिर आपसे यूजर से पूछा जा रहा है एंटर योर चॉइस कि आप करना क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक जो है वो यूजर बताएगा हमें। और फिर आपने आप उससे उसकी चॉइस मांगने चाहते हैं तो इसलिए फिर सी इन कमांड हमने यूज कर ली। यहाँ तक यूज करने के बाद हम स्विच चॉइस के ऊपर चले जाएंगे। ये हमारा कोड का नेक्स्ट पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड किया। ये एडिशनल पार्ट है जो आज हम सीखना चाहते हैं। स्विच चॉइस दे दिया। अगर आपको याद हो तो हमने सिंटेक्स में पढ़ा था कि यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा जाता है। एक्सप्रेशन वही है जो आपने ऊपर चॉइस में दिया हुआ है, तो जो आप मांग रहे हैं वही आपने यहाँ पे दे देना है। और उसके बाद केस वन बना लिया हमने। केस वन के अंदर ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि एंटर टेम्परेचर इन फॉरनहाइट, तो हमने एक और छोटा कोड लिख दिया जो कि बता रहा है कि एंटर टेम्परेचर इन फॉरनहाइट, फिर उसके बाद आप फॉरनहाइट वाला टेम्परेचर ऐड करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जैक्टली यही वाली इक्वेशन उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है और उसके मुताबिक हम इनको सॉल्व करना चाहते हैं। सिमिलरली सी आउट है, और उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी ये सी आउट के फॉर्म में आ जाएगी। फिर वो देगा कि ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है जो बराबर है वो फॉरनहाइट टेम्परेचर के जो आपने दिया था। फिर उसके बाद ये कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये कोड रन करना स्टॉप कर जाएगा। अगर
और उसके बाद जो है ये डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न जीरो पे जाएगा और ये आपको नल वैल्यू के साथ रुक जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते तो यूजर अगर केस टू चाहता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसके अंदर यही सब कुछ करना है। इंटरनेट या फॉरनेट मांगा था वहाँ पे सेंटीग्रेड कह देंगे और ये इक्वेशन जो है सेंटीग्रेड वाली हम यूज कर लेंगे, फॉरनेट वाली T_F=9C+ ये और ये सारा कुछ। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश करें और ये फिर अगेन TF=4Net=, ये सारे एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएंगे। और डिफॉल्ट जो है, हाँ ये तीसरा हिस्सा है केस का कि अगर यूजर जो है वो 1 और 2 के अलावा कोई और ऑप्शन पुट करने की कोशिश करता है तो फिर आपने इसको मैसेज देना है डिफॉल्ट के जरिए कि सी आउट सिस्टम आपको उस स्क्रीन पे देगा कि यू इनवैलिड चॉइस, तो आपकी जो है इनवैलिड चॉइस है, आप इस चॉइस को ठीक करें। तो फिर एट द एंड जो है ये स्विच स्टेटमेंट वाला केस जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर रिटर्न जीरो के साथ आपका नया कोड दोबारा से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये एक तरीका, एक मेथड है जिसके जरिए से हम ये है इसको सॉल्व करना चाहते हैं टेम्परेचर कन्वर्टर को। तो आइए इसकी हम Dev C++ में भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोड जो है एग्जैक्टली मैंने यहाँ से कॉपी किया था स्लाइड्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है, वेरी इजी। तो यहाँ पे मैंने वही सेम कोड यहाँ से पेस्ट करके कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया हुआ था, ये सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली वही वही है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसको हम रन करवाएं, तो आप अपनी कंप्यूटर के ऊपर F11 यूज़ करेंगे तो इसकी रनिंग हो सकती है। मैं आप कंपाइल और इसको करेंगे तो साथ ही आपका कंसोल बॉक्स एज अ ब्लैक स्क्रीन के तौर पे शो हो जाएगा। जैसे ही ये ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आएगी तो यू विल हैव द ऑप्शन 1 stand for Fahrenheit 2 सेंटीग्रेड, ठीक है जी, एंड सेंटीग्रेड टू फॉरनहाइट। ये बड़ी मुख्तसर सी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, आप इस स्टेटमेंट को अपने सोर्स कोड के अंदर चेंज भी कर सकते हैं और उसके मुताबिक इसको चला भी सकते हैं। एंटर योर चॉइस, तो आपने अपनी चॉइस बतानी है कि क्या है। फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉरनहाइट सेल्सियस से क्या होगा फॉरनहाइट में, तो हम ये मैं सेकेंड पुट कर रहा हूँ चॉइस। जैसे ही मैं सेकेंड चॉइस पुट करता हूँ तो वो कहता है एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, तो वो मुझसे पूछता है कि टेम्परेचर आप सेंटीग्रेड में दाखिल करें जो आप करना चाहते हैं। मैं 100 डिग्री करना चाह रहा हूँ कि 100 डिग्री किसके बराबर है, तो 100 डिग्री जो है एक्चुअली दैट इज 212 फॉरनहाइट स्केल के बराबर है और ये 100 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो इस तरह से आप इस कोड को रन कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कोड जो है यहाँ पे दे सकते हैं और उसकी रनिंग करवा सकते हैं, उसमें कोई भी सच मुश्किल नहीं है। तो इन द सेम वे अगर आप देखें तो हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप दोबारा से देखें तो आप किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग 1 वाल, तो Fahrenheit to Centigrade कन्वर्जन हम देखना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 32 है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फॉर एग्जांपल यू कैन से 45 फॉरनहाइट। तो 45 फॉरनहाइट किसके बराबर है, इट इज़ बेसिकली 7.2222 सेंटीग्रेड जो कि 45 सेंटीग्रेड फॉरनहाइट के बराबर है। इसी तरह एक और फीचर होता है वो है कि आप इसकी प्रिसीजन स्टेप्स जो हैं वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिसीजन स्टेप कंट्रोल करने का तरीका का बहुत आसान है, आप वहाँ पे अपने कोड में सिर्फ और सिर्फ एक जो है सिंगल वेरिएशन लेके आए, और सिंगल वेरिएशन जो है वो सिंपल ये है कि आपने अपने कोड के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन को यूज़ करना है और उस ऑप्शन के साथ ही आपके पास जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी, और आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेप प्रोसीजन की वैल्यू को ऐड कर देना है। जितने भी आप वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं डिजिट्स, फॉर एग्जाम्पल आप पॉइंट्स के बाद जितनी वैल्यूज हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह आप सिंपल से इस कोड के जरिए से ये सारे काम कर सकते हैं और बगैर किसी परेशानी के।
सिमिलरली आपको याद होगा तो हमने इसी तरह का एक कोड कोड बहुत पहले डेवलप किया था, और वो हमारा कोड था एक्चुअली इज फॉर द केस ऑफ इफ यू नोटिस दैट, तो वो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर का कोड था। अगर आपको याद हो तो हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर का कोड बहुत पहले बनाया था, और उसमें भी ऐसी ही ऑप्शन वो मांग रहा था, और हमने कहा था कि राइट नाउ अभी हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है सी प्लस प्लस की लैंग्वेज का, तो इसलिए हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन नहीं करते। बट ये है कि अगर आपको मैं दोबारा से वो कोड दिखाऊं जो मैंने आपको एक दफ़ा सेंड किया था और कुछ लोगों ने आपके साथ बनाया भी था, तो वो कोड आपके पास हम दोबारा से ओपन कर सकते हैं, और वो बेसिक फुल कैलकुलेटर के नाम से था। तो ये मेरे पास फुल कैलकुलेटर वाली फाइल अवेलेबल है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फाइल का इजाफा किया उन्होंने, और ये है जी मैथ डॉट एच हेडर फाइल, और यू कैन से सी मैथ हेडर फाइल भी यूज की जा सकती है। फिर वही यूजिंग नेम एसटीडी जो आज हमने सीखा है, और उसके बाद इंट मेन, और ये सारा जो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये फ्लोट है वैल्यूज ए बी, और ये है जी पाई वैल्यू, और इंट क्या है जी सी वैल्यू है, ठीक है जी। और सी आउट क्या है, इसके बाद इसने एंड लाइन वाली ऑप्शन दी है, आप उसको यहाँ पे ही ऑप्शन दे सकते थे न्यू लाइन वाली भी, और उसके बाद जो है इधर उसने बताया हुआ है कि ये सी आउट सबसे पहले इट्स अ कैलकुलेटर, और उसके बाद न्यू लाइन, इसके बाद जो है सी आउट एक बार लगाई है ताकि खैर नीचे अंडरलाइन किया जा सके, ऑपरेशन जो है उसके बाद उसने टैब दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ फंक्शंस, फिर टैब दे के लॉगरिथमिक फंक्शंस, और उसके बाद न्यू लाइन। तो इसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ऑप्शन दे रही हैं, आपने डिवीजन करनी है, आपने 1 2 3 इसी तरह से, और साथ साथ टैब दे दी हैं, तो ये पूरे एक टेबल की शक्ल अख्तियार कर गया है। और उसके बाद आप जब इसको रन करते थे तो जो आपने नंबर देना उसके इसने छोटे छोटे केस बनाए हुए, केस नंबर 1 में उसने बताया हुआ है कि इसने टोटल 12 केस बनाए हैं, 12 ऑप्शन दी हैं, तो ऑब्वियसली इसने टोटल इसके अंदर 12 केस बनाए हुए हैं और एक डिफॉल्ट ऑप्शन रखी है, तो टोटल 13 वैल्यूज है इसके अंदर। केस 1 एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2, और ये आपके पास सेकेंड वैल्यू हो जाएगा। तो ये वो कैलकुलेटर है जो आमतौर पर आप यूज कर सकते हैं जो दो एंट्रियाँ लेता है और उसको मल्टीप्लाई कर देता है। इन द सेम वे केस 2 है वो उसके अंदर इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन का जिक्र किया है, अप टू सो ऑन केस सारे के सारे ये चल रहे हैं 13 14 तक, और ये लॉग की वैल्यू बता रहा है, और ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसने यहाँ पे आपको शो करके दिखाई हुई हैं। फिर उसके बाद हर केस को कंप्लीट होने के बाद उसने ब्रेक यूज़ की है, आफ्टर डेट एट द एंड डिफॉल्ट है कि अगर कोई 14 के अलावा कोई 12 के अलावा कोई और 14 के अलावा कोई और ऑप्शंस लेता है तो वो उसने कहना है कि रॉन्ग इनपुट है, उसके बाद आपका जो फंक्शन है वो एंड हो जाता है, और उसके बाद आप इसको दोबारा से रन कर सकते हैं। तो आइए इसको दोबारा से आज पढ़ने एग्जीक्यूट करवाते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मजीद बेहतर हो जाए। तो आप देखेंगे कि जिस तरह ही हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो वी हैव द सेम आउटपुट जैसे कि आज हमने सीखी है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर आ गया है यहाँ पे, और उसके बाद अंडरलाइन लाइन आ गई, फिर उसके बाद उसने ऑपरेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो पहले 6 ऑप्शन जो है हमारे पास ऑपरेशंस के हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, दूसरे ऑप्शन के अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और अगले वाले सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शंस अवेलेबल है, और वो कहता है कि एंटर द फंक्शन दैट वी वांट टू परफॉर्म। तो आज जो है हम देखते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम स्क्वेयर रूट लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप स्क्वेयर रूट के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। तो स्क्वेयर रूट के वाले से ये 6 ऑप्शन है, उसने कहा है कि कोई भी अपनी मर्जी का नंबर एंटर करें, तो मैं यहाँ पे 10,000 ऐड कर रहा हूँ। तो 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, आपके पास 100 होता है, तो दिस इज योर आंसर। तो ये एक सिंपल सा बेसिक कैलकुलेटर से डेवलप कर दिया जिसके अंदर आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए इन फर्दर मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं यूज़र को, और यूज़र जो है इन मल्टीपल ऑप्शंस को यूज़ करते हुए डिफरेंटली चीज़ों को सीख फर्दर कम एग्जीक्यूट करवा सकता है, एज वेल एज उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो लूप इन सी प्लस प्लस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और सीखेंगे कि लूप जो है वो किस तरह से काम करते हैं, और लूप
का मकसद जो है वो एक साइक्लिक कोड्स को डेवलप करना है। इटरेटिव को मेथड के जरिए से हम कंडीशंस को देखेंगे और उसकी एग्जीक्यूशन को देखेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें जो है वो लूप्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिनमें यू कैन से एग्जीक्यूशन के दौरान होने वाले साइक्लिक प्रोसेस, जिस तरह समेशन है, जिस तरह आपके पास कोई टेबल है, इसी तरह से आपके पास जो है वो यू कैन से साइक्लिक परमुटेशन फैक्टोरियल है, इस तरह के जितने भी फंक्शन हैं मैथमेटिकल फंक्शन, वो सारे के सारे लूप्स पे डिपेंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लूप्स की बात करेंगे और देखेंगे कि इन लूप्स के जरिए से हम किस तरह से अपने कोर्स जो हैं वो मजीद मैथमेटिक्स को बेहतर कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन में और ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों का मकसद जो है वो बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद ऐसे कोड डेवलप करना है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो। आपने डिफरेंट ऑप्शंस देखी हैं और आज वाले स्टेटमेंट्स के बाद जो है आप क्लियर कर सकते हैं कि हम बहुत सारी ऐसी जेनरिक कोड्स डेवलप कर सकते हैं, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कोड्स डेवलप कर सकते हैं जिसके साथ हम बेशुमार काम कर सकें। जैसा कि एक आपके हिंट के लिए है कि आप सब लोगों ने लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन, इन सब को यूज़ किया हुआ है, इन सब को कैलकुलेट किया हुआ है, इन सब के अलग अलग कोड बना सकते हैं आप सब लोग, क्योंकि आप सब लोग अल्लाह इतने काबिल हो चुके हुए हैं कि आप इन सब के इंडिविजुअल छोटे छोटे कोड बना सकते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट्स के जरिए से आप एक जनरल इक्वेशन सॉल्वर बना सकते हैं और वो ऑप्शन दे सकता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू सॉल्व इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो वो पहली ऑप्शन दें, If you want to solve the non-linear equation और you तो आप second option पर जाएँ। फिर वो उसके अंदर भी ये पूछ सकता है कि आपने अगर ये solve करनी है तो वो किस तरह से quadratic करनी है, cubic करनी है या polynomial करनी है। तो ये सारी options जो हैं हम इन method के ज़रिए से understand भी कर सकते हैं और इस तरह का एक जामिया तौर पर comprehensive code भी हम समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस lecture की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से आप अपने सवालात और डिस्कशन को कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग, अल्लाह हाफिज़।